हाँ 28 क्वेश्चन नंबर 28 ए सीरीज सीआर सर्किट विथ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 200 ओम एंड कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई माइक्रोफेरड इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज ई नॉट इक्वल्स टू 100 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज कैलकुलेट नंबर वन जी ए पार्ट में है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट दैट इज जेड बी पार्ट फेज एंगल दैट इज फाई एंड सी पार्ट वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर ओके बेटा ये हम लोग को करना तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन है मार्किंग स्कीम बता देता हूँ फिर तुम लोग का कॉपी चेक कर देता हूँ ट्वेंटी एट मार्किंग स्कीम को भी मैं बताता हूँ देखो क्या क्या चीज़ें हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड फाइंड करोगे दैट यू विल गेट वन फेज एंगल के लिए वन एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दैट इज ऑल्सो वन जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बिकॉज आर सी सर्किट है आर स्क्वायर वन अपॉन टू पाई न्यू सी होल स्क्वायर तो एक्स सी इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई न्यू सी वन अपॉन टू पाई इंटू फिफ्टी फिफ्टी अपॉन पाई टेन टू द माइनस सिक्स डायरेक्टली लिख दिया 200 ओम हाँ बात तो बराबर है पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्ट आ जाएंगे यस 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 200 ओम आ गया अभी जेड इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर दैट इज 282 ओम ओके रूट टू का वैल्यूज 1.414 ले लोगे तो इम्पिडेंस तो आ गया इतना ओम तो ओम लिखना जरूरी है हाफ ऑफ करके लिखा है ठीक है और टेन फाई का एक्स अपॉन आर 200 दैट इज 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन जो भी लिखना है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर तो वी आर एम एस अपन जेड इंटू आर तो आ गया तुम्हारा 50 वोल्ट ओके ठीक है तो अभी चेक करता हूँ किसने क्या सेंड किया किसको कितना मार्क्स मिल रहे हैं आर इक्वल टू 200 ओम अच्छा हर्षेंदु सेंट तो किए अच्छा 2 × XC देखो हर्षेंदु कर कितना बड़ा मिस्टेक है तुम्हारा ये जो तुम लिखते हो ना बेटा ये तो ठीक है यहाँ तक तो ठीक है चल रहा था 10^2 ओम जैसे इधर लिखा तो ओम छूट गया क्यों बेटा ओम तो लिखो उसके बाद नेक्स्ट जो है जेड इक्वल टू एक्सी का स्क्वायर 200 √2 ओम बेटा ये जो रूट टू में क्यों छोड़ते हो वैल्यूज को पुट कर दिया करो किसी ने बोला हमारे घर से स्कूल 10 √2 मान लो किलोमीटर तो क्या हुआ बेटा फाइंड करें तो रूट टू का वैल्यू पुट कर देते ना टेन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन आर 45 डिग्री फाइव इक्वल्स टू 45 डिग्री ओके उसके बाद तुम्हारा रहा था वी आर एम एस नहीं बेटा गलत हो गई वी आर एम एस तो ये लिखना पड़ेगा आई आर एम एस अपन आर तो आई आर एम एस मतलब वी आर एम एस अपन जेड तो ये तो गलत हो गया तो दो ही मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं हाँ मार्क्स भी दे देना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में मार्क्स देना भूल गया उसके बाद नवजोत ने मतलब जो तरनदीप ने सेंड करी टू हंड्रेड वोल्ट फाइव इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है सी का फिफ्टी वोल्ट इसका सारी करेक्ट है इसके बाद हर्षित का कॉपीज होगी हर्षित ये दोनों तो आ गया ठीक ठीक से ये क्या हो बेटा
282। अच्छा, उसमें उस तरीके से कैलकुलेशन करा होगा, 282। ठीक है, ओके। 45 डिग्री। सी पार्ट नहीं किया, सी पार्ट तो करना चाहिए था बेटा, आई आर एम एस इंटू आर, तो मैक्सिमम तुम्हें दो ही नंबर मिलेगा। हाँ बेटा, तुम उसको दोबारा करोगे हर्षित, इसमें तो 2 मार्क्स ही मिलेगा। 28। थर्ड पार्ट नहीं किया, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, सेंड कीजिएगा। ओके, ठीक है, जितना कॉपी आया था उतना कॉपी तो चेक।